ये तस्वीर देखकर आपको शायद ये बताना चले कि सड़क कहाँ है और नाला कहाँ। जी हाँ, चौराव कस्बे के लोग काफ़ी समय से जलभराव की समस्या का सामना कर रहे हैं। मंगलवार को आक्रोशित व्यापारियों ने चौराव बाजार बंद कराकर SDM का घेराव किया और समस्या के जल्द से जल्द समाधान की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि पानी भरे होने से कस्बे की सड़कें उखड़ गई हैं और नाले पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। इस रास्ते से रोज दर्जनों स्कूली बच्चे और सैकड़ों राहगीर गुजरते हैं और कई गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि पानी की निकासी के लिए बनने नाले को कुछ लोगों ने बांट दिया, जिससे ये समस्या विकराल हो गई। व्यापारियों की समस्या ज़्यादा है, क्योंकि सड़कों पर पानी होने से उनका कारोबार ग्राहकों के कम आने से मंदा पड़ गया है। पिछले सोमवार को कस्बे में आधा दर्जन स्कूली बच्चों से भरा रिक्शा पानी में पलट गया था, जिसमें कई बच्चे घायल हो गए थे। वीडियो देखने से आपको परेशानी का अंदाज़ा लग सकता है। दो पहिया गाड़ी हो या फिर पैदल, सड़क पर इतना पानी है कि आप आसानी से चल नहीं सकते हैं। मंगलवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल चौराव की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया था। सड़क पर ही पानी इतना कि बच्चों को नदी की सैर कराई जा रही है। बच्चों को कुछ देर के लिए भले ही मस्ती करने का मौका मिल जाए, पर ज़्यादातर लोगों के लिए ये पानी मुसीबत लेकर आया है। उद्योग व्यापार मंडल चौराव की तरफ से उप जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि नाले की खुदाई का 110 मीटर तक का काम पूरा हो चुका है, पर अभी काफ़ी काम शेष है। शेष नाले की सफाई और खुदाई का काम कराकर जलभराव की समस्या का निपटारा करने का अनुरोध किया गया। हैरानी की बात यह है कि फरवरी और जून में ऑनलाइन शिकायत की गई थी, पर विभाग की ओर से नाले पर अवैध अतिक्रमण को हटाने की अपील निस्तारित बता दिया गया। जून में SDM खुद पानी निकासी की व्यवस्था देखने पहुंचे थे, पर उसका कोई असर होता दिख नहीं रहा है।